हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीजे बाजार। मेरा नाम है समीर। हमारा कैबिनेट से रिलेटेड डीजे बॉक्स का हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और हम साउंड सिस्टम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ट्रेडिंग भी करते हैं। तो आज हम अपनी फैक्ट्री का टूर आपको दिखा रहे हैं कि हमारी फैक्ट्री में कैसे कैबिनेट्स रेडी होते हैं। और हमारे पास अभी जो कैबिनेट का मॉडल रेडी हो रहा है वो है SRX 725 का। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हम कैसे रेडी करते हैं बॉक्सेस। तो दोस्तों, ये हमारे पास अभी 725 का कैबिनेट रेडी हो रहा है। तो ये जो भैया हैं अभी इसमें ग्रूमिंग करके दिखाएंगे आपको, जाली को बिठाने के लिए, ग्रिल की फिनिशिंग अच्छे से बिठाने के लिए। तो आप देखिए ये ग्रूमिंग कैसे करते हैं। तो ये अभी भैया ने ग्रूमिंग कर दी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए बिल्कुल 00 में ग्रूमिंग हुई है। ये जो वर्क है ये सारा CNC का वर्क है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये थोड़ा लॉन्ग में। ये देखिए प्रॉपर 00 की जो इसकी एक लाइन है, प्रॉपर 00 में हमने कटिंग की है। ये CNC का वर्क है बट हमने विदाउट CNC किया है। तो कोई भी ऐसा वर्क नहीं है जो CNC ही कर सकती है। CNC तो एक सिर्फ वे होता है कि काम को, प्रोडक्शन को बढ़ाने का। विदाउट CNC भी हम फिनिशिंग से काम कर सकते हैं, सारा माइंड वर्क चलता है उसमें। तो आगे आपको दिखाता हूँ इसमें और कौन कौन से वर्क होंगे। ये ग्रूमिंग करने के बाद अब इस जाली को लगा के पहले चेक किया जाता है अच्छे से कि ये जाली 00 में बैठी है या नहीं बैठी है। अगर इसमें कोई भी फॉल्ट होगा तो पेंट से पहले इसको अभी से हम सेट करके पहले इसको बिठाएंगे, उसके बाद इसमें पेंट का काम वर्क जो भी है स्टार्ट होगा। तो अभी ये अभी चेक कर रहे हैं कि इसकी जो वर्किंग है 00 में हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों, हमारा 725 का वुड वर्क है जो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें सिर्फ पेंट बाकी है। तो मैं आपको इसकी थोड़ी क्लोज लुक दिखा देता हूँ। इसकी हैंडलिंग हमने कैसे निकाली है, इसका इंटरनल पार्ट्स जैसे भी पार्टीशंस वगैरह जो भी हमने लगाई हैं, तो वो थोड़ा क्लोज से दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसा कि इसके एयर वेंटिलेशन है, ये भी सारा काम CNC का, बट ये देखिए हमने भी 00 में निकाला है, कोई CNC का यूज नहीं किया हुआ है, ये सारा हैंडमेड है। तो विदाउट CNC भी CNC वाला वर्क हम ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि CNC से ही हम सारा 00 में काम कर सकते हैं। और इसके इंटरनल थोड़ा आपको दिखाता हूँ कि जैसा कि ये देख पा रहे हैं हमने प्रॉपर पार्टीशन डाली हुई है कि जिससे एयर वेंटिलेशन प्रॉपर बैलेंस के साथ बाहर निकले। और इसका जो HF वाला है बॉक्स का, जो एक तरीके से इसकी पार्टीशन ही हमने अलग कर दी है क्योंकि इसमें प्रॉपर एक फुल पार्टीशन डाली है, कोई 4 इंची की 5 इंची की फट्टी नहीं सीधा लगाई। इससे तो एक बेनिफिट ये होगा कि इसकी मजबूती ज्यादा हो जाएगी, उसको सपोर्ट मिल जाएगी, सभी तरफ से इसमें स्क्रू वगैरह टाइट हो जाएंगे। दूसरा ये है कि अगर बाई चांस आपकी HF का फ्लेयर टूटता भी है, आपकी HF नीचे इसमें नहीं गिरेगी क्योंकि ये प्रॉपर अंदर से बंधा है, HF उस बॉक्स में ही रह जाएगी। हमने सिर्फ एक वायर निकालने के लिए एक इसमें दिया हुआ है होल, अदरवाइज ये प्रॉपर अंदर से बंद है। प्लाई की क्वालिटी भी मैं आपको थोड़ा क्लोज से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये प्लाई की क्वालिटी है, मरीन प्लाई का यूज किया गया इसमें। लेयर देखिए अप्लाई की, स्क्रू का काम भी हम करते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें स्क्रू टाइट किए हुए हैं। स्क्रू से क्या होता है कि आप जब स्क्रू लगाते हैं कैबिनेट में तो इसकी चूड़ी टाइट हो जाती है, तो जिससे अगर बेस भी आती है तो बेस के साथ ही इसकी चूड़ी हिलती नहीं है क्योंकि स्क्रू एक पकड़ बना लेता है अपनी, कीला अपनी जगह से हिल जाती है। कीला का इस्तेमाल सिर्फ हम एक ढांचा खड़ा करने के लिए करते हैं, उसके बाद हम स्क्रू का काम जरूर करते हैं इसमें। उसके बाद बैक में आए थे, मैं इसकी बैक प्लेट दिखाता हूं आपको। ये देखिए बैक प्लेट का जो कॉर्नर, ये सारा वर्क है, ये सारा CNC वर्क है बट हमने हाथ से किया हुआ। ये देखिए ये जब रेडी हो जाएगा एक बारी मैं आपको
अगले ब्लॉग में इसके आपको रेडी का भी क्लो लुक दिखाऊंगा, पेंट वगैरह की क्वालिटी सारा दिखाऊंगा। ये देखिए सारा कैबिनेट स्क्रू के साथ टाइट है, अब देख पा रहे हैं ये ब्लैक कलर के स्क्रू लगे हुए हैं, ये कॉर्नर पे भी उन्हें स्क्रू लगाए हुए हैं, ये अंदर एक्चुअली हमने ज्वाइंट्स दिए हुए हैं इसको पकड़ ज्यादा बनाने के लिए। ये इसकी हैंडलिंग है, ये भी जो काम ये सारा होता है ये सारा सीएनसी का होता है, बट ये भी सारा हैंडमेड काम है। अंदर स्पोर्ट्स के बारे जो इसकी स्पोर्ट लगी हुई है इसको मजबूत करने के लिए आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर हमने इसमें भी स्क्रू लगाए हुए हैं, ये सारी कॉर्नर स्पोर्ट्स हैं, बाहर से इसमें स्क्रू लगे हुए हैं कि उसका ज्वाइंट बिल्कुल भी ना हिले। तो दोस्तों आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर हमारे से कुछ गलती होगी वो ब्लॉग बनाने में तो हमें माफ करिएगा। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग मैं लेके आऊँगा जल्दी ही, ये जब रेडी हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी रेडी होने के बाद लुक कैसी आती है, और इसके पेंट के बारे में और एक्सेसरी के बारे में मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जल्दी ही मिलते हैं।